नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के सेकेंड स्टेज के विस्फोटक रूप के बीच मोकामा में वैक्सीनेशन का कार्य भी तीव्र होता जा रहा है। हर आम और खास लोगों ने वैक्सीनेशन की डोज ली है। बता दें कि मोकामा रेफरल अस्पताल में आज बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना के जंग के खिलाफ वैक्सीन की लड़ाई तेज कर दी है। वहीं मोकामा BDO मनोज कुमार ने रेफरल अस्पताल में आज दूसरी डोज ली और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। शहरी और ग्रामीण लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर होड़ सी मच गई है। आज एक बार फिर से देख रहे हैं कि पूरे बिहार सहित पूरे देश में कोरोना का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो मैं मोकामा के सभी यहाँ के रहने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिनकी भी एज 45 वर्ष से ऊपर है, वो आकर ससमय वैक्सीनेशन करवा लें ताकि ये बीमारी से बचा जा सके, और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग लगातार करें, और यही मेरा संदेश सबके लिए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।